हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले जो आपका फ्रेंड पेपर था सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश, वो ओवर हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। तो आज हम आपसे बातें करेंगे स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था जो आपका थोड़ी देर पहले जो आपका पेपर एंड हुआ है आपका 27th February 2020 को, क्या स्टूडेंट्स का रिएक्शन था, क्या स्टूडेंट्स ने कहा। फ्लैमिंगो हो गया, स्टार्स हो गया, पोएट्री हो गया, प्रोस हो गया, लैंग्वेज पोर्शन हो गया, या सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सब कुछ बात करेंगे कि आखिर स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था आज को पेपर फ्रेंड को। तो फ्रेंड आगे बढ़ा जाए, उससे पहले माई डियर स्टूडेंट्स, आप अपने चैनल अभी अपडेट को तुरंत ही सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके चैनल अभी अपडेट पे हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहती हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। माई डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और अपने इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर करिए, क्योंकि फ्रेंड आप लोग के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहती हैं और आते भी रहेंगी। जैसा आपने देखा था माय डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आया था इंग्लिश का, तो वैसे ही फ्रेंड आप लोग लेके आ रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड आपको जो पेपर है, भले आप साइंस स्टूडेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो या नॉन साइंस यानी कॉमर्स के हो या इंग्लिश के हो, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे आप मिस ना कर पाए किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को, अपडेट को। तो चलिए फ्रेंड आपसे हम बात बता देते हैं, फिर आपका जो स्टूडेंट्स रिएक्शन था वो क्या था। फिर ये वीडियो फिर आपको बनाई जा रहा है, तो वीडियो फिर ओवरऑल 22 स्टूडेंट्स का हम लोगों ने रिव्यू लिया हुआ है, 22 स्टूडेंट्स का हमने फ्रेंड रिव्यू लिया हुआ है, जिसमें से 16 बॉयज थे और 6 गर्ल्स। यहाँ फ्रेंड बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, जो फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 16 बॉयज और 6 गर्ल्स से फ्रेंड रिव्यू लेने के बाद ये पूरा वीडियो बनाया जा रहा है। क्या कहना था सब कुछ जानेंगे फ्रेंड इस पूरे वीडियो में। फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, पहले हम बता दें फ्रेंड आप सभी को, अगर फ्रेंड बात करें हम गर्ल्स की बात करें, फ्रेंड यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, फ्रेंड गर्ल्स साथ स्टार्ट करते हैं। तो जो 6 गर्ल्स साथ रिव्यू लिया गया, तो उनका केवल इतना सा कहना था कि जो पेपर था वो मॉडरेट, या आप फ्रेंड कह सकते हैं जो उनका कहना था जो पेपर था वो मॉडरेट फ्रेंड क्वेश्चंस पूछा गया था। गर्ल्स का कहना था जो मॉडरेट पेपर था आज का, सेक्शन जो ए था उनके हिसाब से जो सेक्शन ए था वो पैसेज वाला वो इजी था उनके हिसाब से, उतना डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, 6 में सिर्फ कुछ ऐसे गर्ल्स थी जिन्होंने कहा कि मैंने कि 2-3 गर्ल्स थी जिन्होंने कहा कि जो अनसीन पैसेज था थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट था। ठीक है, यानी सेक्शन ए जो था आपका पैसेज वाला वो उतना डिफिकल्ट नहीं था, अगर हम पूरा रिव्यू देखें गर्ल्स का तो। ठीक है फ्रेंड आपका, और वैसे अब यहीं फ्रेंड अगर मैं आपसे बात कर लूँ, यहीं पर अगर फ्रेंड आपसे बातें कर लूँ बॉयज़ के बारे में बातें कर लूँ, तो बॉयज़ का कहना था कि जो सेक्शन ए था वो डिफ़िकल्ट मतलब कि उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि जो थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। ठीक है, 16 स्टूडेंट बॉयज़ में से 13 ऐसे बॉयज़ थे जो कह रहे थे कि जो पैसेज था थोड़ा सा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट था फ्रेंड। ठीक है ना फ्रेंड, आपको कैसा लगा आप कमेंट करिए फटाफट। तो देखते हैं आप लोगों को क्या कहना है, आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड जल्दी से आप लोग कमेंट कर दिए, देखते हैं कि आप लोगों ने क्या कहा, आप लोग कैसा लगता है सेक्शन ए का जो फ्रेंड पैसेज था वो कैसा लगा फ्रेंड आप सभी को। ठीक है ना, थोड़ा सा फ्रेंड यहाँ पे एक बात बनती भी है, जैसे हम सभी जानते हैं जो गर्ल्स होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो गर्ल्स थे उनका इंग्लिश पोर्शन ज़्यादा बेटर गया होगा सेक्शन ए का। ठीक है, और वहीं पे सेक्शन ए के जो बॉयज़ थे थोड़ा सा उनको लग रहा था कि जो पैरा था जो अनसीन पैसेज था थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट लग रहा था उनको। चलिए अब मूव ऑन करते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी की फ्रेंड बातें करें, तो फ्रेंड बात करें पहले आपसे बात कर ले बॉयज़ की बातें कर लें। तो सेक्शन बी में जो बॉयज़ कर रहे थे बहुत सिंपल था, सेक्शन बी में जो बॉयज़ कह रहे हैं कि वो डिफिकल्ट नहीं था वो इजी था, यानी कि जिन्होंने भी प्रैक्टिस किया होगा फॉर्मेट बनाना उनका बहुत ही अच्छा गया था आज का पेपर। जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सेक्शन बी जिन्होंने फॉर्मेट सही से बनाना सीखा होगा उनका बहुत अच्छा किया होगा, सेक्शन बी स्कोरिंग भी था और वो पूरा मार्क्स यहाँ पर स्कोर किए होंगे लगता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे गर्ल्स की बातें कर लें बॉयज़ की बातें कर लें, दोनों का यही कहना था कि जो सेक्शन बी था वो सही था, इतना डिफिकल्ट नहीं था फ्रेंड आपका। ठीक है ना, उतना डिफिकल्ट नहीं था फ्रेंड। ठीक है ना फ्रेंड, आगे बढ़ जाए और बताऊँ आपको स्टूडेंट्स रिएक्शन क्या कहना था, क्या लेवल था, क्या रेटिंग दिया जाएगा इस पूरे पेपर को लेकर फ्रेंड सबको जानेंगे। फ्रेंड उससे पहले एक बात और, आपने जो फ्रेंड अभी पेपर दिया है, फ्रेंड आपने जो पेपर दिया इस पूरे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पर लाई जा रहा है, बस थोड़ी देर बाद फ्रेंड आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी से फ्रेंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड एक बात और, जब हम लोगों ने स्टूडेंट से रिव्यू लिया, जब हमने बॉयज़ और गर्ल्स से पूछा, तो उनसे पूछा गया कि क्या अभी अपडेट पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, जो आपको अभी अपडेट आपके चैनल पे क्वेश्चन दिया गया था जो इम्पोर्टेंट बताया गया था, क्या उसमें से आया नहीं आया। तो फ्रेंड
आप खुद जाके चेक कर लीजिएगा फ्रेंड, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं फ्रेंड इसका मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, आप जाकर खुद चेक कर लीजिएगा, आपको खुद देखने को मिलेगा कि आपके पेपर होने इसके मतलब पेपर होने से पहले हम लोगों ने बताया था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके चैप्टर्स कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स कौन से हैं, प्रोज के कौन से हैं, आपका फ्लेमिंगो हो गया, विस्टा हो गया, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से ही क्वेश्चन आए थे फ्रेंड, आप जाके खुद चेक कर लीजिएगा। जो हमने बताया उसमें 85% 90% फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए थे, जी हाँ फ्रेंड, जो हमने बताया उसमें से इतने ज़्यादा परसेंट फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए, आप जाके खुद चेक कर लीजिएगा, मैं नहीं कहूँगा फ्रेंड, आप खुद चेक कर लीजिएगा फ्रेंड। इसीलिए करें फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप लोग ले आ रही हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोग को देखने को रोज मिलती है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग लिए लेके आ रहे हैं आपके आगे, जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेंड, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो आप लोग अकाउंट्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आ रही हैं, अगर आप नॉन साइंस, अगर आप नॉन कॉमर्स हो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, यानी अगर आप बायोलॉजी हो गया, आपका मैथ्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री का हो गया, तो आप लोग के लिए फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये चैनल आपका है, आप लोग के चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं, और जो हम लोग बताएंगे फ्रेंड आप लोग को, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फ्रेंड पेपर में देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड, आप जाकर खुद चेक कर लीजिएगा। आज जो हमने स्टूडेंट से रिव्यू लिया उनका यही कहना था, सर जो आपने बताया था उसमें से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिला, बहुत ज़्यादा हेल्प मिला आपके उस चीज़ों से, तो आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, और उस वीडियो पे फ्रेंड प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड। चलिए मूव ऑन करते हैं और सेक्शन सी फ्रेंड बातें करें फिर आपसे फ्रेंड, जो फ्रेंड सेक्शन सी की बातें करें, सेक्शन जी तो फ्रेंड आपको जो था, सेक्शन सी फ्रेंड आपको जो था, जिसमें हम सभी जानते हैं कि आप लोग के लिए आया था फ्लेमिंगोस हो गया, विस्टास हो गया, यानी जो आपको उधर से फ्रेंड लिखने के लिए आया था वो तो आप समझ ही गए हो, जब हमने रिव्यू लिया तो क्या बताया बच्चों ने, बताया वही जो हमने बता रहा हूँ आपको, कि जो हमने बताया था फ्रेंड आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन आए पूछे गए थे, और सेक्शन बी जिन्होंने पहले से चैनल से जुड़े हैं अभी अपने उनका फायदा ही हुआ है, आज जाकर खुद चेक कर सकते हैं वो, तो यानी क्या कि सेक्शन सी की बात करें तो जो भी थोड़ी पढ़ा होगा सब चीज़ों को वो बेटर करके आया पेपर में, आज यही हम कह सकते हैं फ्रेंड, तो सेक्शन सी को जो सही से पढ़ा होगा ना थोड़ी, वो सही से बेस्ट किया होगा फ्रेंड आपको, ठीक है ना। अच्छा, हमने जब फ्रेंड स्टूडेंट से पूछा कि जब उनको पैसेज में नोट्स बनाना था तो क्या कोई दिक्कत थोड़ा नहीं हो रहा था, तो वही बात फ्रेंड जो कहा गर्ल्स ने कि सर नहीं, नोट्स मेकिंग बनाने में उतना डिफिकल्टी नहीं हो रहा था ना फ्रेंड, डिफिकल्टी नहीं हो रहा था, आपको फ्रेंड क्या लगा, आपको फ्रेंड क्या लगा कि आपको डिफिकल्टी हो रहा था क्या नोट्स बनाने में, नहीं होना चाहिए था फ्रेंड, जो भी लगा आप कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड, ठीक है ना। और फ्रेंड एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड आप सभी के लिए, उनसे जब पूछा गया कि जब आपको बनाना था एब्रिविएशन बनाना था क्या उसमें कोई दिक्कत था या नहीं थी, तो उनका कहना था नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, यानी क्या, यानी ये कि जो उनसे पूछा कि आप कितना विषय बना के आए थे, तो उनका कहना था कि आप कम से कम फोर बना रहे थे, फोर बनाए थे, यानी सिंपल क्या फ्रेंड आप लोग के लिए जो नोट्स मेकिंग था वो डिफिकल्ट नहीं था गर्ल्स के हिसाब से कहा जाए तो, और बॉयज के हिसाब से कहें तो बॉयज यही उनको कहना था कि सर नोट्स मेकिंग जो था वो उतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा सा उनको लिटिल बिट डिफिकल्ट लग रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट उनको लिटिल बिट लग रहा था उसको नोट्स को बनाने में, नोट्स को मेक करने में फ्रेंड, ठीक है ना फ्रेंड। ओवरऑल अगर हम आपसे बातें करें पूरा 10 मिनट फ्रेंड आपसे बातें करें, तो आपको जो फ्रेंड पेपर था आज यहाँ पे आप कह सकते फ्रेंड आपके पूरा पेपर फ्रेंड आपको जो था उसमें से ओवरऑल रिव्यू लेने के बाद फ्रेंड यही कहूँगा मैं आप लोग को कि 10% से वैसे स्टूडेंट्स का कहना था कि जो फ्रेंड आपका पेपर था वो ईजी पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड अपने यहाँ पे, वहीं पे फ्रेंड अगर हम बात करें आपसे 50-70% जो स्टूडेंट्स थे उनका कहना था कि जो पेपर था आपका वो मॉडरेट पूछा गया था आज के पेपर में फ्रेंड अपना, ठीक है ना। और फिर वहीं लास्ट लास्ट फ्रेंड आपसे बातें करें हम आपसे, तो यहाँ पे फ्रेंड आपका 20-30% स्टूडेंट्स का कहना था कि जो पेपर था वो आपका वो हार्ड था, ठीक है फ्रेंड अपना ना, ओके सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया फ्रेंड, 10% फ्रेंड स्टूडेंट का कहना था कि पेपर हार्ड था आपका, और ये 20-30% स्टूडेंट का कहना था पेपर जो फ्रेंड आपका था वो ईजी था, ठीक है फ्रेंड अपना। यानी फ्रेंड कहा जाए तो पेपर आपका हार्ड नहीं था, ठीक है फ्रेंड अपना, और कहा जाए ईजी तो अपना पेपर ईजी भी नहीं था आपका, तो पेपर आपका जो फ्रेंड था वो मॉडरेट था, थोड़ा सा लेंथी, जब उससे पूछा कि आपका पेपर लेंथी था क्या, पेपर लेंथी था क्या, तो उनका कहना था कि हाँ थोड़ा सा लेंथी लग गया था फ्रेंड पेपर में, ठीक है ना। लेकिन फ्रेंड वही बात है, अगर आपने पेपर में सही से टाइम मैनेजमेंट किया होगा तो आपको फ्रेंड पेपर लेंथी नहीं लगा होगा। और हम लोगों ने कुछ दिन पहले आपको डे बिफोर यस्टरडे हमने वीडियो बना कर दिया था कि आप पेपर को कैसे मैनेजमेंट करें, क्योंकि ऐसे पेपर्स में इंग्लिश जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स में ना टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है, टाइम करता है। तो जिन्होंने सही से टाइम को कंज्यूम किया होगा उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, पहली बात है, यानी टाइम मैनेजमेंट मस्ट था आपको करने के लिए, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट किया होगा। जिन्होंने थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट से लैग कर गए, जो भी स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट से लैग कर गए, थोड़ा सा उनको पेपर लेंथी लगा और थोड़ा सा उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ होगा, बट कोई बात नहीं,
अभी स्टार्टिंग है, आप लोग का फ्रेंड पेपर और आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस अब आने वाली हैं आप लोग के लिए, इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए अब होने वाला है। कॉमर्स की बात करें तो बिजनेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स अब बचा है, मेन चीज़ तो अब बचा है। अगर हम साइंस स्टूडेंट्स की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो तो मिला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अब बचा है। तो अब मेन चीज़ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलने वाले चैनल पे, और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है फ्यूचर पेपर के लिए सब हम बताते रहेंगे आपको। तो फिर ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जस्ट इसके बाद सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को फ्रेंड शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और फ्रेंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आखिर आपका पेपर कैसा गया, आपका पेपर फ्रेंड कैसा गया, कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर कैसा गया, आपको क्या लगा, आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे पेपर को, क्या लगा आपको फ्रेंड पेपर डिफिकल्ट था, क्या लगा आपको पेपर इजी था, क्या लगा फ्रेंड आपको पूरे पेपर में, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। डोंट फॉरगेट कि आप अगला वीडियो देखिए क्योंकि अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जस्ट इसके बाद मैं आपको लेके आ रहा हूँ सॉल्यूशन, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, दीजिए आ गया, बाय बाय, सी यू वेरी सून द वेरी नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशंस।